अभी मुझे बताइए, यहां पे प्राज्ञ साध्वी जी के क्षमा मांगने के बाद भी उसको तूल दिया जा रहा है। राहुल गांधी क्षमा मांगने से वहां पर भारत के टुकड़े होंगे, सिद्धांत है दोस्त रही घोषणा से सिद्धांत है। और कांग्रेस पार्टी अगर सबको अलग कर रहे थे तो आप जब लोगों ने टुकड़े वाले लोग अरेस्ट क्यों नहीं किया तक आपने, जो आतंकवादी अरेस्ट क्यों नहीं किया तक आप लोगों ने, बाद हमारा बीजेपी के कार्यकर्ता है सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता से आप राज्य पर जो प्रश्न चिन्ह उठा है उस प्रश्न चिन्ह उठाने पर एक बात का जवाब दीजिए। आईएसआई जांच करने आ रहा है आलोक जी, एक मिनट में आपके पास आता हूं, आलोक जी एक मिनट में आपके पास आता हूं। आप लोग हमें रावत का पर ठीक है, आप आतंकवादी कहते हो, हिंदू आतंकवाद हिंदू तालिबान शैलेश पांडे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शैलेश जी प्लीज, क्या कांग्रेस लगातार बोलने के लिए आए हैं क्या, सवाल नहीं सुनेंगे आप, एक तरफा बात कर रहे हैं, पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। शैलेश पांडे प्लीज, जेएनयू में जो देशद्रोही के साथ खड़े हुए शैलेश पांडे सवाल सुनेंगे, क्या चुनावी रैली नहीं है, जो सेना चुनावी रैली नहीं है, चुनावी रैली नहीं है क्या, आप लगातार बोले जा रहे हैं, क्या उस पर माफी मांगी, क्या इन्हें माफी, शैलेश पांडे एक बात सुनेंगे फिर, चुनावी रैली नहीं है, चुनावी मंच नहीं है, डिबेट में बैठे हैं और जब सवाल आए तो सवाल को सुनिए। प्रज्ञा जी ने तो माफी मांगी है, क्या कांग्रेस एक बात बताइए, शैलेश पांडे सुनिए, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बोला होता माफी मांग ली होती तो माफ कर देते क्या? जी बोलिए, सवाल ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल से जवाब दीजिए माफ कर देते, जवाब दीजिए माफ कर देते, खिलाफ देश नहीं माफ कर देते कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, काम भी किए हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, नहीं नहीं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज तक इन्होंने जितने भी बयान दिए, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बयान देकर माफी मांगी होती तो माफ कर देते, क्या ये माफी मांगी, माफ कर देते, देशद्रोहियों के साथ जब ये देशद्रोही, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के या किसी दूसरे दल के नेता ने ऐसा बयान देकर माफी मांगी होती तो आप माफ कर देते, दंगे में नहीं आप माफ कर देते, को कटवाया इन्होंने क्या, जवाब दीजिए कि माफ कर देते, 70 में इमरजेंसी में हजारों लोगों के, जवाब दीजिए कि माफ कर देते, और अगर माफी नहीं दे सकते हैं तो साध्वी प्रज्ञा को भी माफी दे दो, इन्होंने माफी मांगी नहीं, आपके पास जवाब, राहुल गांधी ने नहीं आपके पास जवाब, शैलेश पांडे शांत होइए प्लीज, उपहास सुना, शैलेश पांडे शांत होइए, इन्होंने माफी मांगी, शैलेश पांडे शांत होइए, शैलेश पांडे शांत होइए, मैं प्रेम शुक्ला से इसका जवाब दूंगा, एक मिनट आप शांत होइए, शैलेश पांडे आप शांत होइए वरना आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले, से डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं, भगवान राम के अस्तित्व, चलिए भगवान राम पर बात नहीं हो रही है, शैलेश पांडे अगर आप, मैं आखिरी बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप मेरे कहने पर शांत नहीं होंगे तो आपकी आवाज बंद करवा दूंगा, फिर चिल्लाते रहिएगा, राम के अस्तित्व पर काम करिए इनकी आवाज, ठीक है, शैलेश पांडे की आवाज ऑनर नहीं जाएगी अभी। प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरे दल के नेता ने इस तरीके का बयान देकर माफी मांगी होती तो माफ कर देते आप लोग? जी अरे आदरणीय राजीव गांधी ने 10,000 लोगों का नरसंहार करवाने, प्रेम शुक्ला जी सीधे से सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना, हाँ या ना, राजीव गांधी को भारत रत्न नरसंहार कराने के बाद, मैं वही तो बता रहा हूं ना, भारत रत्न दे दिया गया,